अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है डीवाई बाई डीएक्स। इक्वेशन आपके सामने है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये जो टैन हाइपरबोला इनवर्स है इसको हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टैन हाइपरबोला वाई मीन इनवर्स खत्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे जस्ट बच जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। So, ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स टेन हाइपरबोला वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स। सो टेन हाइपरबोला वाई मीन टेन हाइपरबोला के जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल होगा सेकेंड हाइपरबोला स्क्वेयर वाई, और इसका फिर आगे डेरिवेटिव भी ले लेना है, जो भी एंगल होगा इसका यहां पे वाई है तो उसका डेरिवेटिव ले लेना है, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos of x, आगे x एंगल है उसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है dy / dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy / dx यहां पे। अब यहां पे secant hyperbola y है, इसको हम ले जाएंगे कहां पे राइट हैंड साइड पे। सो ये आ जाएगा हमारे पास cos of x डिवाइडेड बाय secant hyperbola स्क्वायर y, नेक्स्ट स्टेप डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास कॉज ऑफ एक्स और नीचे हमारे पास क्या है सेकेंड हाइपरबोला स्क्वेयर वाई। सो सेकेंड हाइपरबोला स्क्वेयर के फॉर्मूलाज डिफरेंट है, तो यहां पे हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा किसके 1 माइनस टेन हाइपरबोला स्क्वेयर वाई। फर्दर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देखोगे आपके पास क्या चीज आ गई tan हाइपरबोला स्क्वायर, और यहां से हमने जब हमने ये इनवर्स खत्म किया था तो उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिखा था कि tan हाइपरबोला y इज इक्वल टू किसके था sin of x के इक्वल था। इट मींस टू से कहीं भी अगर tan हाइपरबोला y आ रहा है उसकी जगह हम लोग क्या चीज पुट कर सकते हैं sin x पुट कर सकते हैं, और यहां पे स्क्वायर आ रहा है तो वहां पे जस्ट sin लिखेंगे ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं cos of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मैं वंस अगेन चलो एक स्टेप कर देता हूं, ठीक है, इस पे हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर यहां पे हो या होल पे हो एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि आपके पास tan हाइपरबोला y आ चुके हैं और उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं sin of x, तो ये रहेगा हमारे पास dy / dx is equals to cos of x divided by 1 minus, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास sin और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये मैं ऊपर ही कर देता हूं। सो डीवाई बाई डी एक्स जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ऊपर आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, और 1 बाय कॉज ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है मैं नीचे चलो लिख देता हूं, एक स्टेप और कर लेते हैं। डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय कॉस, तो यही आ जाएगा इक्वल्स टू सेकेंड। लिटिल बिट ट्रिकी है लेकिन यह है कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टिल अगर कहीं भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो साथ साथ शेयर करते रहो, ताकि साथ साथ मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हुआ जाऊं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।